वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर टॉपिक नंबर 3.5, टॉपिक की हेडिंग है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, इसको एक खूबसूरत एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। मान लीजिए आप टू व्हीलर चला रहे हैं, टू व्हीलर चलाते समय आपकी गाड़ी की स्पीड उस समय 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहे हैं। सडनली आपके घर से फोन आता है और कहा जाता है कि एक इमरजेंसी प्रॉब्लम आ चुकी है, घर में एक्सीडेंट हुआ है किसी का, आपको बहुत जल्दी पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? आपका सिंपल तरीका यह होगा कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देंगे। 20 से हो सकता है वो 30 से हो सकता है 40, हो सकता है कई बच्चे कलाकार हो आप में से 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाएंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये जो स्पीड बढ़ी, ये आपने बढ़ाई कैसे, किसकी मदद से बढ़ाई? आपका सीधा जवाब आ चुका होगा, आपने एक्सेलरेटर की मदद से स्पीड बढ़ाई। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो बदलाव आया, आपने जो स्पीड चेंज किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या एक्सेलरेशन को ऐसा भी कहा जाता है किसी गिवन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसे एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है। एक्सेलरेशन का गिवन इंटरवल टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, यह डेफिनेशन कहलाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। और किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, वो कहलाएगा आपके लिए कौन सा एक्सेलरेशन। अरे भाई, किसी इंस्टेंट पर मतलब कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आइए देखिए, यहां पर हम मानते हैं कि T1 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी V1 थी, और मान लो T2 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी V2 थी। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया भाई? इनिशियल है V1, फाइनल है V2, तो बताओ चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब V2 माइनस V1। अच्छा, टाइम में चेंज कितना? T2 माइनस T1। तो इसे लिखा V2 माइनस V1 अगर लार्ज हुआ तो लार्ज को लिखते हैं डेल्टा, और T2 माइनस T1 अगर लार्ज हुआ तो इसको लिखते हैं डेल्टा T। बराबर है? तो लार्ज चेंज इन वेलोसिटी या गिवन चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। इज कॉल्ड व्हाट? एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, चेक कीजिएगा। व्हाट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां थोड़ा नोटिस करना बेटा, एक ग्राफ आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है पिछली सिचुएशन का। इसमें बताया गया है 0 से लेके 10 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी 24 अचीव हो चुकी है, 24 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में 0.0, तो टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है। आपको बताना है कि बताइए एवरेज इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 0 से 10 सेकंड के लिए कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये आपको बताना है। तो देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 24। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो फाइनल माइनस 0 मतलब 24 माइनस 0 कितना हुआ? 24। एक्चुअलिटी में 240 लिखा है, वो गलत है, 24 माइनस 0 आना चाहिए वहां पर। अच्छा, टाइम कितना? 10 सेकंड। अच्छा, इनिशियल कितना? 0 सेकंड। तो 10 माइनस 0 कितना आया? बोलो भाई, 10 माइनस 0 कितना आया? तो 10 माइनस 0 10 आया, तो 24 डिवाइड बाय 10 आता है 2 माइनस 4 नहीं है, ये 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बराबर है? अब देखो, यहां से स्टडी करो, 10 सेकंड से लेकर आप 18 सेकंड तक स्टडी करो, 10 सेकंड से लेकर आप 18 सेकंड तक स्टडी करो, वेलोसिटी 24 24 24 24। वेलोसिटी में कोई चेंज आया क्या भाई? 10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी? 24 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 18 पे भी कितनी है? 24 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल कितनी है? 24। इनिशियल कितनी है? 24। 24 माइनस 24, जवाब दो भाई, 24 माइनस 24 0। तो हम यहां पर 240 नहीं, यहां पर 24 माइनस 24, और यहां 8 सेकंड डिवाइड में आना चाहिए था 10 के प्लेस पे, तो 24 माइनस 24 0, एक्सेलरेशन 0 होता है। मतलब कहते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। यहां देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? स्ट्रेट है, मतलब कैसा है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 आता है। अब हम बात करते हैं आखिरी के 2 सेकंड में, देखिए 18 सेकंड से 20 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, 18 से 20 मतलब 2 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेकंड ओनली। ओके, अब नोटिस करना बेटा, 18 से 20 2 सेकंड आपके पास में आ चुका है, यहां वेलोसिटी कितनी थी? 24। अब वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और 20 सेकंड पर ग्राफ देखो कहां आ चुका है, 20 सेकंड पर ग्राफ यहां पर टच कर चुका है, एरो को पॉइंटर को देखना, तो 0 हो चुका है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 24, तो ये हो गया 0 माइनस 24 माइनस 24 डिवाइड बाय 2, दैट इज माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो यहां देख सकते हैं हम लोग 2.4, यहां देख सकते हैं हम लोग जीरो, यहां देख सकते हैं हम नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में भी जीरो, इट में भी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन की तीन वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम को वेक्टर से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, यहां से वेलोसिटी इस तरह से, ये लीनियर ग्राफ तो नहीं, पक्का हो गया। 10 सेकंड से लेके आप बात करें तो 18 सेकंड तक आपका जो ग्राफ है वो हो गया स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस है। और 18 सेकंड से 20 सेकंड की बात करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन कैसी है, ये पैरेलल टू टाइम एक्सेस नहीं है। तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जा सकता है, नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया जा सकता है। ये मैं अभी बोर्ड पर चल के समझाने वाला हूं कि बनाया किस तरह से जाता है और इस ग्राफ की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। उससे पहले, बोर्ड पर समझाने से पहले आप वेट कीजिएगा, एक्सेलरेशन के बाकी टॉपिक को समझाता हूं, फिर ये जरूर बोर्ड पर समझाऊंगा मैं आप लोगों को किस तरह से होता है। देखिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था, तो इंस्टेंटेनियस निकालते समय क्या पढ़ा था, लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बराबर, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी। अच्छा, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, डीवी मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, डीवी मतलब स्मॉल चेंज। तो टाइम लिमिट वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी डीवी बाय डीटी। ओके, तो हमें इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, टाइम की स्मॉल वैल्यू पर, इंटरवल छोटा करते जाओ, छोटा इंटरवल करते करते वैल्यू कॉन्स्टेंट लगभग अचीव हो जाए, या ये कह लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टेंजेंट हम लोगों ने बोला था आपको, देखो याद करो, मैं याद भी दिला देता हूं आप लोगों को, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट था, ये टाइम था, इसका एक लाइन टेंजेंट हो गया था, जिसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला था। वैसे ही इस ग्राफ के टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन को कहा था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो अगर डायरेक्शन बदला तो भी वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन। तो अगर डायरेक्शन बदलने से, जैसे कि सर्कुलर मोशन के केस में हम देखने वाले हैं, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इस तरह से घूम रहा होता है, तो घूमते वक्त पार्टिकल की डायरेक्शन लगातार बदल रही होती है, बराबर है, तो वहां डायरेक्शन लगातार बदलती है, वेलोसिटी में बदलाव आता है, इसलिए हमें कहते हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। दूसरा, अगर मान लो मैग्नीट्यूड बदल गया, मैग्नीट्यूड कैसे बदलेगा, मान लो रोड पर जा रहा है कोई पर्सन 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, उसकी गाड़ी की स्पीड वो 60 किलोमीटर पर आर कर दे, तो 30 से 60 किया मतलब स्पीड बढ़ी, इस बार चेंज क्या हुआ, तो मैग्नीट्यूड बदला तो भी वेलोसिटी बदल गई, मतलब या तो डायरेक्शन बदले तो वेलोसिटी बदल जाएगी, या तो मैग्नीट्यूड बदले तो वेलोसिटी बदल जाएगी, या दोनों बदल जाए तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। अच्छा, दोनों कैसे बदलेंगे, मौत का कुआं देखा होगा आपने मेले के अंदर, मेले के अंदर मौत का कुआं जब होता है तो गाड़ी चला रहा होता है, सामने वाला सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा होता है, डायरेक्शन भी बदल रहा होता है और गाड़ी की स्पीड भी बदलता है, कभी बढ़ाता है कभी कम करता है, कभी बढ़ाता है कभी कम करता है, तब भी हम कह सकते हैं वेलोसिटी में बदलाव आता है। तो आप देख सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती है तो भी वेरिएबल वेलोसिटी होगा, अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो है वो वेरिएबल है, यहां वेलोसिटी नहीं आएगा, वेरिएबल है, डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरिएबल है, वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं है, वेरिएबल वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी, और वेलोसिटी वेरिएबल हुई मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और अगर मान लो दोनों सीसी मतलब दोनों कांस्टेंट हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब अगर किसी केस में ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना ही डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। आप देख सकते हो ग्राफ का ये वाला पार्ट, 10 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन को बोला जाए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो वी माइनस वी नॉट टी माइनस जीरो। अच्छा, टी माइनस जीरो टी आया, वी माइनस जीरो इक्वल टू एटी आ गया, तो वी इक्वल टू आ गया वी नॉट प्लस एटी, ठीक है ना। तो ये तीन ग्राफ है कि अगर पोजिशन के ग्राफ ऐसे दिए गए हों तो एक्सेलरेशन कैसा होता है। यहां तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट ऐसे समझा रहा हूं और इसी की जज्बात मैं आपको बोर्ड पर समझाने वाला हूं कि किस तरह से ऐसा होता है। देखिए जब स्माइलिंग फेस होता है, स्माइलिंग फेस,
स्माइलिंग फेस मतलब जब आप हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ स्माइलिंग फेस जैसा हो, तो स्माइल मतलब पॉजिटिव थिंग। तो पॉजिटिव ग्राफ, कंसेप्चुअल वर्किंग, कंसेप्चुअल टीचिंग बोर्ड पे आके जरूर बताऊंगा कैसा होगा। अच्छा, सैडनेस का ग्राफ जो होता है, दुख, जिन जीवन में कुछ दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तो ग्राफ आपका चेहरा या स्माइल फेस की जगह पर सैड ग्राफ बताया जाता है, तो नेगेटिव। और अगर मान लो पोजिशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। कैसे होता है जरूर देखने वाले। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट कंडीशन में बना सकते हैं। देखो, पहली बात ऐसी है कि यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपको बताया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बताया गया है, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। लेकिन हर केस में टेंजेंट का बनने वाला एंगल लेस देन 90 है। हर केस में टेंजेंट का बनने वाला एंगल लेस देन 90 है। लेस देन 90 है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी लेस देन 90, टेन थीटा लेस देन 90 है। और मैंने बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट एक्सेलरेशन होता है, मतलब अगर किस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसका एंगल थीटा लेस देन 90 बनेगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। बीसी ग्राफ को देखो आप, देखो वेलोसिटी का पूरा ग्राफ कौन से हाफ में बना है। देखो वाई एक्सेस का पॉजिटिव हाफ, वाई एक्सेस का नेगेटिव हाफ, वाई एक्सेस का पॉजिटिव हाफ, वाई एक्सेस का नेगेटिव हाफ। तो ये पूरा ग्राफ जो बन रहा है वाई एक्सेस के पॉजिटिव हाफ में बना हुआ है, बराबर है। लेकिन ये रिटार्डेशन वाला ग्राफ है। अब ऐसा क्यों, तो मैं अभी बोर्ड पर डिस्कस करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं बोर्ड पर और समझते हैं कि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। देखिए, मैंने अभी कहा था आपसे कि हम बोर्ड पर चल के सीखने वाले कि आखिर किस तरह से ग्राफ बनता है। आइए बोर्ड पर देखिए, यहां पर ओ ए बी सी, ये चार पार्ट दिख रहे हैं ग्राफ के। ओ ए एक पार्ट है, ए बी एक पार्ट है, और बी सी एक पार्ट है, तीन पार्ट है। पहले मैं सिखा देता हूं इसकी मदद से मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ताकि बहुत सारी बातें तो आपको क्लियर हो जाए। देखो, जिन भी बच्चों ने ये जो मैं बात समझा रहा हूं इससे पहले अगर पैराबोलिक ग्राफ नहीं पढ़ा है, तो ग्राफ यूज्ड इन फिजिक्स नाम का टॉपिक प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। प्लेलिस्ट की हेडिंग है बेसिक मैथमेटिकल टूल। ग्राफ यूज्ड इन फिजिक्स में पैराबोला वाले ग्राफ सारे जाके चेक कर लेना, वो बात समझ में पूरी क्लियर आ जाएगी कैसा क्यों बनता है। आपको पैराबोला वाले ग्राफ में मैंने ऐसा बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ग्राफ अगर होता है तो ग्राफ इस तरह से बन रहा होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब देखो, यहां एक्स एक्सिस पे क्या अवेलेबल है, तो एक्स एक्सिस पे टाइम अवेलेबल है, और वाई एक्सिस पे क्या है, तो वेलोसिटी अवेलेबल है। तो ग्राफ तो ऐसा ही बन रहा है, पर अंतर इतना सा है कि ये ग्राफ केवल नेगेटिव टाइम के लिए नहीं बनाया गया। तो ओ से ए तक का ग्राफ मैं ऐसा कह सकता हूं, तो वाई एक्सिस मतलब वेलोसिटी, एक्स एक्सिस मतलब टाइम। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ होता है। टाइम नेगेटिव होता है क्या कभी टाइम? हां बोले समय खराब होता है, शनि महाराज लग गए सर। अरे वैसा कोई टाइम नेगेटिव हम कहते नहीं है फिजिक्स में, फिजिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। टाइम नेगेटिव है क्या? टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला ग्राफ इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ओ ए वाला ग्राफ देखो, यहां से ओ से लेकर ए तक का ग्राफ, ओ से लेकर ए तक का ग्राफ ऐसा बना सकते हैं। अब अगर ओ से लेकर ए तक का ग्राफ ऐसा बना, तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मैं कह सकता हूं टी स्क्वायर इक्वल टू वी, वी इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं टू टी, और ये आ गया वाई इक्वल टू एम एक्स। अच्छा, वाई इक्वल टू एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है भाई? वाई इक्वल टू एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है? तो वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जबकि एम की वैल्यू आपके पास प्लस टू है। अच्छा, एम मतलब स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा आपके पास प्लस टू है, और ये जब भी प्लस टू होता है मतलब लेस देन 90 होता है। तो हमने यहां से यहां तक के ग्राफ के लिए ग्राफ ऐसा बनाया, ठीक है ना। आगे सोचिए ए बी, इस पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो समझिएगा ध्यान से हम क्या कह सकते हैं, जो वेलोसिटी यहां पर है वही वेलोसिटी यहां पर है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंशिएशन के टर्म में सोचिएगा, कांस्टेंट अगर टर्म होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना कहता हूं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम कहते हैं जीरो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आ गया, मतलब ए की वैल्यू आपके पास सिंपल जीरो आ जाएगी। तो यहां से यहां तक कोई ए की वैल्यू नहीं होगी, सो इट विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ ए। इस पोर्शन के लिए हम बात करते हैं बी टू सी, बी टू सी पोर्शन के लिए मैं वैल्यूज ले लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। जो वैल्यूज वहां पर गिवन थी वो सब वैल्यूज ले लेते हैं। यहां से हम लोगों ने 10 सेकंड बोला था, यहां से 18 सेकंड बोला था, 20 सेकंड बोला था, यहां 24 बोला गया था, ये 24 बोला गया था। तो कोऑर्डिनेट बी का कितना आ जाएगा, 18, 24।
एक्स कॉमा वाई और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 20.0। तो कोऑर्डिनेट देखिए बी बी कोऑर्डिनेट है 18.24 और सी सी कोऑर्डिनेट है 20.0। अब सी कोऑर्डिनेट 20.0 है तो मैं इसे कहता हूं x1 y1, इसे कहता हूं x2 y2। अच्छा स्लोप निकालने का तरीका जानते ना आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पहले भी बता चुका हूं मैं, मैंने फिर कहा है आप में से किसी ने अगर ग्राफ यूज्ड इन फिजिक्स नहीं देखा हो तो यहां पर आपको दिक्कत आने की संभावना बनेगी, और अगर वो नहीं देखा है तो बेसिक मैथमेटिकल टू प्लेस में जाके जरूर देखें, वहां पर ग्राफ यूज्ड इन फिजिक्स में टॉपिक डिस्कस हुआ है। y2 माइनस y1 मतलब 0, y1 मतलब कितना है 24, x2 कितना है आपके पास में 20, x1 कितना है 18। तो आप देखिए -24/2 -12 m/s² ऐसा कहा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि -12 m/s² इसकी वैल्यू आ रही है, और -12 m/s² इसकी वैल्यू आना मतलब स्लोप आया है कुल मिला के, हम ये कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आप देख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है, स्लोप मतलब टेन थीटा बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। आइए समझते हैं, यहां पर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इस तरह का ग्राफ है, ये देखो मान लेते हैं कि ये ग्राफ ऐसा है, इस ग्राफ को कभी एक्सटेंड करते तो एंगल देखो थीटा ग्रेटर देन 90 आता, और इंटरसेक्शन जो होता, मान लो इंटरसेक्शन जो होता, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैंने इसके इस पोर्शन को क्या किया, इस वाले इस पोर्शन को बढ़ाता गया यहां पर जाके कहीं पर कट करेगा, इसको बढ़ाता गया यहां पर कट करेगा। अच्छा ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या ओरिजिन, नहीं ये कटिंग इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, भाई ये वाली लाइन कहां पर जाके काटेगी इसको, ये वाली लाइन कहां पर जाके काटेगी इस एक्सिस को, तो कहीं ना कहीं काटेगी, और ये वाई एक्सिस का कौन सा पार्ट है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला पार्ट है या नेगेटिव वाला पार्ट है, तो ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट पे काटेगी, तो हम इस इक्वेशन को जरूर लिखते हैं आप, और हम जानते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई मतलब वेलोसिटी, एम मतलब -12, एक्स मतलब टी और सी, ये आ गया वेलोसिटी वी इक्वल टू -12t+c। अच्छा अब इसको आप सॉल्व करोगे एक्सेलरेशन निकालोगे तो डीवी बाई डीटी आपके पास आ जाने वाला है, जब डीवी बाई डीटी आया तो आप कह सकते हैं -12 डिफरेंशिएशन टी की पावर 1 प्लस डिफरेंशिएशन सी कांस्टेंट का 0 एक्सेलरेशन -12 m/s² आता है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और -12 होगा, तो यहां से यहां तक के लिए इंटरवल पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास -12 m/s² आएगी, ठीक है ना। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, ये नॉन लीनियर ग्राफिकल तो एक्सेलरेशन लीनियर आएगा। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं इस इंटरवल के लिए कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप दो बातें कंपेयर कर सकते हो, मान लो हम ये कहते हैं कि एक ग्राफ ऐसा है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एक्सेलरेशन बी पर ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन बी पर इक्वल होगा एक्सेलरेशन ए के, बी पर लेस होगा एक्सेलरेशन ए के, या नन इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपके पास डी, ठीक है ना। हमने ए पे टेंजेंट ड्रॉ की, ये आ गया थीटा ए, हमने बी पे टेंजेंट ड्रॉ की, ये आ गया थीटा बी, दोनों में से क्या बड़ा है, थीटा बी और थीटा ए में से कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो थीटा बी बड़ा है थीटा ए छोटा है, मतलब मैं कह सकता हूं टेन थीटा बी बड़ा है टेन थीटा ए छोटा है, और मैंने अभी कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट, क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन एट बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट ए, ऐसा हम बता सकते हैं, तो हम इसे आसानी से वर्कआउट करके समझा सकते हैं। अब समझिए, आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ाते वक्त ये तीन डायग्राम भी आपके सामने आए थे, ऐसा मैंने बोला था कि पोजिशन टाइम ग्राफ अगर स्माइलिंग फेस हो ऐसा, इसको ऐसा समझ सकते हैं, तो सैडनेस है हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस है मतलब पॉजिटिव, ये कैसा है सैडनेस, दुखी जीवन नेगेटिव, और इसको कैसे समझते थोड़ा समझिए। मान लो आपके पास एक्सटी ग्राफ बनाया हुआ है, पॉइंट ए ले लेते हैं, दो पॉइंट बी ले लेते हैं, दोनों जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक है ए और एक है बी, थीटा ए ये रहा थीटा बी ये रहा, ठीक है ना, तो वहां देख सकते हैं आप थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए, थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टेन थीटा वेलोसिटी बताता है,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टेन थीटा वेलोसिटी बताता है। आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं कि आप बोल रहे हो सर हमको समझ नहीं आया। देखो भाई, मान लो 10 मीटर है और मान लो 2 सेकंड है और यहाँ टेन थीटा निकालो तो टेन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 मीटर अपॉन 2 सेकंड। तो देखो 5 मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है बोलो? मीटर पर सेकंड यूनिट होती है वेलोसिटी की, बराबर है ना? तो मीटर पर सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड 10 थीटा निकालने पर आया। 10 थीटा निकालने पर आया मतलब क्या? 10 थीटा बी ग्रेटर देन 10 थीटा ए। अच्छा एक बात बताइए, वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट ए, तो ए से बी जाने पर वेलोसिटी बढ़ी या कम हुई? भाई ए से बी जाने पर वेलोसिटी बढ़ी या कम हुई? तो आप देख रहे हो वेलोसिटी बी पर बढ़ गई, ए पर कम है। अब आपसे पूछता हूं, बाइक चला रहे थे 20 से स्पीड 80 हो गई तो बताओ क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ, डी एक्सेलरेट हुआ? अरे भाई गाड़ी की स्पीड तुम्हारी पहले 20 थी, बराबर है ना? 20 से डायरेक्ट 80 हो गई, 80 हो गई, तो क्या किया? एक्सेलरेट हुआ या डी एक्सेलरेट हुआ? एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, पॉजिटिव वैल्यू मिली, वेलोसिटी बढ़ी, वैल्यू पॉजिटिव हुई। तो हम इसलिए कह रहे हैं एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब इसका उल्टा देख लीजिए, मान लीजिए मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो देखिएगा क्या होगा। थर्ड ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड ग्राफ बात कर लेंगे। एक्सटी ग्राफ ऐसा बनाया, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई एक्सेस पर एक्स, एम स्लोप, ठीक है ना, थीटा, एक्स एक्सेस पे टी, अच्छा स्लोप डी एक्स बाई डी टी क्या कर दिया? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एम डिफरेंशिएशन टी की पावर 1 बराबर है, तो यह आ गया एम, वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी आई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन। अच्छा एम क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्सेलरेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा बना, अरे भाई एक्सटी ग्राफ ऐसा बना तो वीटी ग्राफ बनेगा ऐसा और एटी ग्राफ बनेगा ऐसा, पूरा गैप। एक्सटी ग्राफ बना ऐसा, वीटी ग्राफ बनेगा ऐसा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा ऐसा, गायब हो जाएगा पूरा के पूरा। यहां तक सभी को क्लियर है उम्मीद करता हूं। अब इसका उल्टा एक और समझ लो यही पॉइंट पर, मान लो आपके पास एक्सटी ग्राफ ऐसा होता तो देखो बनने वाला एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 होता तो वाई इक्वल टू एम एक्स ना आते हुए माइनस एम एक्स होता, एक्स इक्वल टू माइनस एम टी होता, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है बोलो? एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। वाई एक्सिस पे क्या है? तो पोजीशन है। अरे भाई एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? टाइम प्लॉट किया है। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? पोजीशन प्लॉट किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, माइनस एम डिफरेंशिएशन टी की पावर 1, टी की पावर 1 डिफरेंशिएशन 1, 1 आया तो वी इक्वल टू माइनस एम, वेलोसिटी नेगेटिव आई। अच्छा एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो माइनस डिफरेंशिएशन एम, एम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन जीरो आ गया। मतलब इस केस में क्या हुआ? इस केस में हुआ ऐसा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा होगा, कभी ध्यान रख लेना इस बात को, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी लेकिन कांस्टेंट आएगी, और एक्सेलरेशन महाराज तो हर जगह पर इन दोनों केस में जीरो ही आने वाले हैं। तो ये तीनों ग्राफ हम समझ सकते हैं। ये ग्राफ समझने के बाद आखिरी ग्राफ जो आपके सामने अवेलेबल है, और उसके बाद कुछ और केसेस हम 2 से 3 केसेस और देखने वाले हैं, और फिर फाइनली आके हम समराइज करेंगे पीपीटी के माध्यम से कि हमने टॉपिक कंप्लीटली कवर कर लिया है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया, बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया। अब देखो यहां पर ए का एंगल और बी का एंगल, इस बार ए का एंगल और बी का एंगल कंपेयर करो, सोचना ध्यान से। हाँ ये ए पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, ए पर एंगल ये रहा, बी पर एंगल ये रहा, तो ए पर एंगल बड़ा है और बी पर एंगल छोटा है। टेन थीटा ए पर बड़ा है और टेन थीटा बी पर छोटा है, तो वेलोसिटी ए पर बड़ी है, वेलोसिटी बी पर छोटी है। मतलब क्या? ए पर वेलोसिटी और बी पर जा रहे हैं ए से बी पर, तो बोलिएगा ए से बी जब जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो? ए से बी जब जा रहे हो तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मतलब
नेगेटिव वैल्यू हो रही है। मान लो शुरुआत में था आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गया बात मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर और टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो बताइए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल है 5 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 0, आ गया माइनस 5 अपॉन 2, नेगेटिव वैल्यू आई, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। So, negative value of acceleration is called what? Retardation. तो अभी देखिए दो केस तो हम समझ चुके हैं ग्राफ के माध्यम से कि BC वाला पार्ट हमें ग्राफ में क्या बता रहा था, रिटार्डेशन, AB वाला पार्ट हमें क्या बता रहा था, एक्सेलरेशन बता रहा था। आइए स्क्रीन और पीपीटी की तरफ चलिए और देखिए कुछ 3 से 4 केसेस और हमें डिस्कस करना। देखिए हमने बात देखी अभी बोर्ड पर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला पार्ट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो, यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब देखो कभी कभी कैसा होता है, ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो और नेगेटिव एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल होता है। देखिए ये ओरिजिन, ये शुरुआत में हमने किताब में डिस्कस भी किया था कि ओ से पी जा सकता है, पी से क्यू आ सकता है, ओ से आर भी जा सकता है। मान लो ओ से आर गया तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर गया, एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर गया, नेगेटिव डायरेक्शन में गया और नेगेटिव रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन के साथ गया। एक केस ऐसा भी हो सकता है, केस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, उसके बाद डायरेक्शन बदल दी और नेगेटिव डायरेक्शन में आया। मतलब देखो पहले ओ से गया पी पर तो देखो यहां पर ओ से पी मतलब प्लस एक्स की तरफ है या माइनस एक्स की तरफ है, तो ओ से पी गया प्लस एक्स की तरफ। अब देखो पी से इसने डायरेक्शन बदल ली, रुका मतलब वेलोसिटी जीरो। अब पी से क्यू पर आया, देखो कहां से कहां तक आया, P से Q पर आया मतलब P से Q जा रहा है मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन बदल ली। उसके देखो चारों ग्राफ यहां पर बताए गए हैं, यहां नोटिस करना इन ग्राफ से, उसके बाद मैं बोर्ड पे ग्राफ डिस्कस करूंगा। यहां आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो इंटरसेक्शन, ये y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, तो y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर यहां पर वेलोसिटी दिवन है, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव पार्ट में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और यहां पर स्लोप भी पॉजिटिव होगा, वो क्यों होगा बोर्ड पे देखेंगे। तो y इक्वल टू mx प्लस c के लिए ग्राफ होता है, ये y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ है। भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। अच्छा स्लोप नेगेटिव कैसे है? भाई स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या, एंगल किसका, ग्राफ का, किसका भाई ग्राफ का, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ, बोर्ड पे जरूर बताने वाला हूं। यहां पर ये होगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। अब देखो नेगेटिव डायरेक्शन और स्लोप भी नेगेटिव है, और चौथा ग्राफ है आपके पास में कुछ समय के लिए पॉजिटिव रहा, t1 टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। आइए बोर्ड पर समझिए कि इन ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसा है। देखिए यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया है ये रहा आपके पास वेलोसिटी एक्सेस, ये वेलोसिटी वाई एक्सेस पर, टाइम एक्स एक्सेस पर। यहां पर हम जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। यहां C, M और X और Y समझिए, X मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस, X एक्सेस बता रखा है, Y वर्टिकल एक्सेस, M का मीनिंग स्लोप होता है, M का मीनिंग स्लोप होता है, स्लोप मतलब tan थीटा होता है। tan थीटा के बारे में थोड़ी बातें समझ लीजिए, थीटा जब भी लेस देन 90 होता है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थीटा इक्वल टू जब 90 होता है तो tan थीटा आपके पास में हमेशा ध्यान रखें इन्फिनिटी होता है, और थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो ये हमेशा याद रखें tan थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। तो एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज एंगल पर स्लोप नेगेटिव होता है। आइएगा ध्यान से देखिएगा, C का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, C का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। अब देखिए यहां पर ये y एक्सिस के कौन से पार्ट पर है, y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर है नेगेटिव पार्ट पर है, तो पॉजिटिव पार्ट पर है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, थोड़ा समझना, y एक्सेस पे वेलोसिटी, स्लोप का साइन नहीं पता, x एक्सेस पे टाइम और y एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट। स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए और x एक्सेस पर ज्वाइन कीजिए। अच्छा इस लाइन का एंगल निकालिए, ये थीटा, ये थीटा लेस देन 90 आ रहा है मोर देन 90 आ रहा है, तो ये लेस देन 90 है, लेस देन 90 इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव वैल्यू के साथ में होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ में होगा। ये आपके साथ में आ गया v इक्वल टू mt प्लस c, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, और देख भी सकते हैं कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एम
डिफरेंशिएशन एम टी प्लस डिफरेंशिएशन सी, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास एम, डिफरेंशिएशन टी की पावर वन प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ए को लिख सकते हैं आप एम, मतलब एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कौन से ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब एक्सेलरेशन, अच्छा नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, तो इसे रिटार्डेशन कहते हैं। आइए अब समझते थोड़ा सा, ये इंटरसेक्शन देखो वी नॉट है, ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो v नॉट पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, स्लोप के बारे में नहीं पता, मैं लिखता नहीं हूं, x एक्सिस पर टाइम है, v नॉट पर कट कर रहा है। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया x एक्सिस से, हमें ज्वाइन करना है इसको, तो देखो यहां से यहां तक आपने इसे ज्वाइन कर दिया अपनी मर्जी से। अब ये चेक करो थीटा ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90 है। अच्छा एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है क्योंकि हमें सेंस ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज माना है। एंटी क्लॉकवाइज ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब टेन थीटा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस एम आएगा। अच्छा वापस से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। अब हमें नहीं पता एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, हम चेक करते हैं, डिफरेंशिएशन ले लेते हैं वी नॉट। अच्छा वी नॉट मतलब कॉन्स्टेंट कट कर चुका है, यहां पर इसकी वैल्यू मान लो 5 मीटर पर सेकंड है। अब मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, मान लो 5 लिखता मैं, तो 5 मतलब क्या आता, नंबर, बोलो भाई 5 क्या होता, नंबर, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो a आ गया आपके पास माइनस एम कॉमन निकाला, डिफरेंशिएशन t की पावर 1, और t की पावर 1 डिफरेंशिएशन होता है 1, तो a को आप सीधा लिख सकते हैं माइनस एम, एम मतलब क्या था, स्लोप था, स्लोप को नेगेटिव कर दो, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मतलब क्या, रिटार्डेशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इस बार नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है मतलब रिटार्डेशन की हम बात कर रहे हैं। तीसरा केस समझ लीजिए, तीसरा केस समझिएगा ध्यान से, तीसरे केस में क्या है बच्चों, तीसरे केस में देखो ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, बोलो ये वाई एक्सिस के कौन से पार्ट पर है, नेगेटिव पार्ट पर है या पॉजिटिव पार्ट पर है, तो ये वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर है और ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर है, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर है मतलब क्या हुआ, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, बराबर है ना। तो इंटरसेक्शन नेगेटिव आ गया, तो y मतलब वेलोसिटी, स्लोप नहीं पता, टाइम और माइनस v नॉट, मैं मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकंड, तो ये और आपको आसानी समझ में आ जाएगा, स्लोप नहीं पता है हमें कितना है, माइनस 5, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू। अब इसको आपने आगे एक्सटेंड किया, x एक्सिस के साथ एंगल निकाला, x एक्सिस के साथ एंगल निकाला तो क्या होगा बताओ भाई, x एक्सिस के साथ एंगल निकाला तो क्या होगा, x एक्सिस के साथ एंगल निकाला ग्रेटर देन 90 आया, ग्रेटर देन 90 आया माइनस एम ले लिया, क्योंकि ग्रेटर देन 90 टेन थीटा जब भी होता है तो टेन थीटा नेगेटिव होता है। वापस से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालेंगे माइनस डिफरेंशिएशन एम टी माइनस डिफरेंशिएशन 5, 5 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ए आ गया माइनस एम, डिफरेंशिएशन टी की पावर 1, टी की पावर 1 1 आता है तो ए की वैल्यू आपके पास माइनस एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो वापस यहां पर रिटार्डेशन है, रिटार्डिंग ग्राफ है, वेलोसिटी शुरुआत में नेगेटिव से शुरुआत हो रही है, नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आइएगा अब ये ग्राफ देखते हैं हम लोग, जो हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो आखिरी ग्राफ है वो आपके सामने अवेलेबल है। आइए स्टूडेंट देखिएगा इस बात को, यहां पर एंगल चेक कर लीजिए, ग्रेटर देन 90 मतलब 10 थीटा नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा ये पॉइंट देखना, यहां पर T1 टाइम पर वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो T1 टाइम पर वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट 0 है, T1 टाइम पर वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट 0 है, तो T1 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, उसके बाद ये वेलोसिटी की वैल्यू यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव। तो इस तरह से हमने ग्राफिकली इन बातों को समझा, और आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, और उसके बारे में देखेंगे कि इक्वेशंस का एप्लीकेशन किस तरह से होते हैं। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव